गुड मॉर्निंग एवरी वन, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. सो येस, राइट नाउ आई एम इन अ कार एंड अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट करने. सो गाइज, अभी क्या है ना, व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने थोड़ा सा ग्रोसरीज लिया, लाइक थोड़ा सा राशन लिया जो डेली यूज का होता है. बेसिकली इट्स आटा, दाल, चावल एंड कुछ कैंडल्स. सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैंने इन सब के हाफ हाफ केजीज, कुछ 250 ग्राम, कुछ आधा किलो एंड कैंडल्स डाली है पैकेट्स में. सो अभी इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा टू द वंस जो मतलब यू नो रोड पे पड़े हैं, उनको नहीं जो रेड लाइट पे भीख मांगते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर फिजिकली फिट एंड फाइन. सो अभी उनके पास ही जाऊँगा, या फिर जो बहुत मतलब लो वाले लेबर होते हैं ना, एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं समझ आ रहा. तो एनीवेज चलते हैं, फिर दिखाता हूँ एंड बाकी डिटेल्स फिर बाद में बताऊँगा. हाँ, मीनवाइल आप चेक कर लो व्हाट ऑल आई हैव गॉट एंड सॉरी, कैमरा में अगर देखूंगा तो गाड़ी ठुक जाएगी, और गाड़ी ठुक गई तो फिर बस छोड़ो, क्या बताओ. सो अभी दिखाता हूँ क्या क्या है मेरे पास. एंड यस, वन मोर थिंग इज कि इस बारी ये जो वीडियो एकदम रॉ रखूंगा, सारे सीन्स अनकट रहेंगे, कुछ भी एडिटिंग नहीं करूंगा, ना घर जाके ना अलग से, बिकॉज बस जाते इसको कंपाइल करूंगा. रास्ते में रोकी है मैंने, जस्ट टू शो यू कि इसमें एक्चुअली में है क्या क्या. सो बेसिकली दिस इज द पैकेट, दीज आर राइस, दाल, आटा एंड कैंडल्स है. सो दिस इज काइंड ऑफ वन बैग, अराउंड 1.5-2 किलो सामान होगा इसमें. एंड ऐसे ही सिमिलरली ये भाई उठ नहीं रहा, सॉरी, हाँ ये उठ जाएगा फिर भी. सो अराउंड 15-20 किलो का राशन है ये सारा, विच आई एम गोना डिस्ट्रीब्यूट. सो बस यही है कि देते हैं, अभी फिर दिखाता हूँ. सो अभी ये सामने रिक्शा वाले भैया जा रहे हैं, तो काफ़ी ओल्ड एज के लग रहे हैं. सो अभी इनको रोक के बोलता हूँ, साइड लगाएंगे. अंकल जी साइड साइड लगाना, एक सेकंड, साइड साइड. यार बेचारे, इनकी तो आग भी गई हुई है भाई एक. सो इनको तो देना बनता है, उतर के जाता हूँ. खाना वाना तो बनता है ना? हाँ जी. ये अंकल जी, इसमें चावल है, आटा है, दाल है, मोमबत्ती है. ठीक है, हैप्पी दिवाली, ध्यान रखना अंकल, ठीक है. सो विद दिस वन पैकेज गॉट डिलीवर्ड एंड ऐसी 10-15 लोगों को देना है. सो यहाँ पे एक अंकल आंटी होते थे, लेट मी जस्ट चेक, अगर हो गए तो देता हूँ. ये है एरिया, तो आंटी तो कुछ बना नहीं पाती थी यार, अब पता नहीं इस टाइम पे है या नहीं. सो लेट मी जस्ट गो देयर एंड चेक अगर है तो. एंड भाई गाड़ी लॉक कर लेना. हाँ आंटी जी तो सो रही है. अंकल, अंकल जी, आंटी. सो आई एम गोइंग इनसाइड एंड वहाँ पे बर्तन पड़े. आंटी जी, आंटी जी, आंटी. सो भाई सुन भी नहीं पा रही. आंटी जी, आंटी. सो यार कंडीशन तो खराब ही है. सो व्हाट आई कैन डू इज, देखो मोमबत्ती इन्होंने भी बेचारों ने लगा रखी छोटी छोटी. सो क्या करे, तो कोई नहीं. यहाँ पे इनकी किचन है छोटी सी, तो यहाँ पर रख देता हूँ ड्रॉपिंग माय पैकेज. जो भी है देख लेंगे, अंकल आएंगे यहाँ पे होते हैं. सो दैट्स इट. सो वहाँ पे कोई भी था नहीं, आंटी अकेली थी, हो सकता अंकल कहीं गए हो अपने काम पे. एंड हाँ, सैनिटाइज जरूर कर लेना अगर इफ यू आर डूइंग दिस. सो वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज कि कार में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. सो मैं हर एक को तो नहीं दिखा पाऊंगा देते हुए, बट यस आई विल ट्राई. एंड हो सकता है कि मेरे को ये स्कूटी पे रखना पड़े सारा सामान आगे, बिकॉज बार बार गाड़ी साइड में लगाना एंड उतरना, और दिल्ली में ये देखो वही सीन है ना,
दिल्ली में ये हरकतें करना तो भाई बस क्या बताऊँ, अब उड़ता तीर लेने के बराबर है। सो अभी देखता हूँ कितना कार में अगर मैक्सिमम निकल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर अभी स्कूटी पकड़ता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है ना कि सामने पूरा पैकेट रखा हुआ है, उसके अंदर फिर छोटे छोटे पैकेट्स है, तो सारे देता जाऊँगा एक के बाद एक, एक के बाद एक। सो नहीं भाई ठोकियो मत प्लीज, सो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल। सो जो कूड़े वाले की बात करता हूँ मैं, वो ऐसे यही लोग हैं, इनको बुलाता हूँ। भैया एक मिनट। तो यार एक तो ना मेरे को वीडियो बनाने में शर्म सी आती है, पता नहीं क्यों। ऐसे उतर के जाना चाहिए मेरे को, आई एम डूइंग दिस बैड बट लेकिन ठीक है आ रहा है। तो भाई एक्साइटेड है, गाली दे रहे हैं। खाना वाना बनाते हो ना घर में? आटा दाल चावल मोमबत्ती है, ठीक है। हैप्पी दिवाली भैया, ध्यान रखना, ठीक है। ओके भैया। सो ऐसे दिया है और ऐसे ही लोगों को देना है, तो ठीक है। एंड अभी एक नोटिफिकेशन आई है फ़ोन पे, स्टोरेज फुल हो गई है। एंड यस, मैंने बताया ना एकदम रॉ रखूँगा, अनकट रहेगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एडिट, आई डोंट वॉन्ट टू फेक इट। फेक इट मतलब जेन्युइन, मतलब एक होता है ना एक ही गो में बंदा पूरी वीडियो बनवाता है, सो वही रहेगा। तो अभी क्या है कि मंदिर के आगे से आया हूँ एंड वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, बट दे वर फिजिकली फिट यार। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर यू आर फिट देन वाई यू बैग, वो खुद बना सकते हो खाना वाना, सो यू कैन डू दैट। तो उनको नहीं दिया फिर, एंड जिस हिसाब से जाम बढ़ रहा है स्कूटी उठानी पड़ेगी, सो लेट्स सी। क्या जलेबियाँ बना रहा है रोड पे, गोल गोल गाड़ी घुमा रहा है। सो लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने ऑन छोड़ दी थी और पता नहीं कितने 12 मिनट की बन गई बेकार में वो। सो अभी पीछे एक मिले भैया से, तो रुके ही नहीं, मैं आवाज़ लगा रहा था। सो लेट्स सी यार, एक तो ना वाई डेली वाई। चलो अंकल जी निकलो, मेरे को जाने दो भाई। चल 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 काके, उड़ना वेखी। चलो काट लिए। सो अभी दिखाता हूँ, आ गया, अभी तो यहीं थे यार। एंड आगे तो जाम लग गया तगड़े वाला, ये क्यों देख रही थी ऐसे? वही है ना साला, व्लॉग कर ही नहीं सकते पब्लिक में, ऐसे घूरेगा जैसे पता नहीं क्या कर लियो। सो ये सारी मार्केट लगी हुई है, इफ यू कैन सी ऑन माय लेफ्ट। एंड यहीं पे एक और थे, वो पता नहीं कहाँ गए। तो एनी हाउ कुछ पैकेट्स बचे अभी, अराउंड 10-12 के करीब, सो देता हूँ। अरे एक ये जा रहे हैं, इनको देता हूँ। भैया खाना बनाते हो ना भैया घर पे? जी खाना बनाते हो ना घर पे? क्या चीज है? दाल चावल आटा मोमबत्ती सब कुछ। और भी दे दो ना। और ये लो एक और ले लो। दे दो, दे दो। ठीक है ये लो, हैप्पी दिवाली भैया, ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। अरे थोड़ा उधर दबा लो पाजी। सो जाम लग गया था इतने में ही। सो अभी आपने देखा उन्होंने एक और मांगा, दैट मीन्स ही नीड्स। तो बस यार यही है कि साला बेचे ना, क्योंकि ये क्या करेगा ना, हरामी होते हैं, बेच के दारू वारू पुआ चढ़ा लेंगे। बट ठीक है, लग भी रहा था देखने से, तो अब यू कांट जज एनी वन, तो ठीक है दे दिया। अभी बस इसके बाद स्कूटी, फिर बाय बाय, फटाफट देने हैं, बिकॉज ऑलरेडी इट्स बीन एन आर, सो इट्स बिन साले, सारी अंग्रेजी बर्बाद हो जाती है कैमरा आते ही। ठीक है फिर आगे देखता हूँ क्या कंटिन्यू करूँगा, अगर और दे पाया तो शूट करूँगा, वरना फिर अब स्कूटी उठा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया गाड़ी में। सो दैट्स इट, अभी रुको रुको, अभी एंड नहीं कर रहा, अभी बाद में भी बात करते हैं। दिल्ली दर्शन करने हैं, ये लो जाम जाम एंड जाम। सो ये सारा अभी दरक दिया एंड स्कूटी पे चलते हैं फाइनली, सो लेट्स गो।
ओ भाई साहब जाम देख लो, पूरी रोड पैक पड़ी है। अब तो भाई यहाँ से भी यूटर्न मारना पड़ेगा। चलो फिर लेट्स गेट गोइंग, पूरा जाम पड़ा है। तो भाई ये देखो इतने बुड्ढे से अंकल है और साले दो लोग बैठे हुए हैं, बेचारे खींच भी नहीं पा रहे। मतलब कैसे लोग हैं, इनको देने जा रहा हूँ फिर मैं। आप जो मेन एरिया था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था एंड नाउ आई ऑल्सो डोंट नो वेयर द हेल आई एम गोइंग। तो भाई लोग मिले ही नहीं वहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। सो रीरूट कर रहा है ये वाला एरिया एंड पूरा डार्क पड़ा भाई, सब पूरा डार्क। हाँ अच्छा, तो बना लेते हो आप खुद? नहीं हम बना भी लेते हैं। आंटी जी की तबीयत कैसी रहती है? ठीक नहीं है। नहीं आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। और आप क्या काम करते हो? काम क्या करता हूँ, सेवा करता हूँ। अच्छा तो खर्चा करता हूँ। खर्चा वर्चा कैसे निकालते हो? आप लोग आदमी खाना देते हैं, पानी देते हैं, कुछ नहीं। अच्छा नहीं, खर्चा वर्चा कैसे निकालते हो फिर? खर्चा वर्चा कैसे? खर्चा वर्चा आप वही देते हो, आप दे देते हैं आटा पानी, वही चलता। बना लेते हो आप? हाँ बना लेते। चलो फिर एक पैकेट और ले लो आप। हमारा ये लीजिए अंकल जी। अरे कोई नहीं, सबका भगवान है ना, बस भगवान ही है सबका। नहीं नहीं अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, हौसला रखिए पूरा। बाकी शुभ दीपावली आपको भी, आंटी जी को भी। सो गाइस फाइनली बैक टू द कार, बैक इन द कार एंड सब कुछ सैनिटाइज कर लिया है एंड यू ट्रस्ट मी नॉट, बट लेकिन इतना ज्यादा जाम है, इतना ज्यादा जाम है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दिवाली का चक्कर है तो लोग सारे गाड़ी लेके निकले हुए हैं। एंड एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि एक अंकल को मैं दे रहा था तो ही सेड मेरे को दूर जाना है सो लेके नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा अंकल कोई नहीं, 2 किलो ही तो है, ले जाओ आराम से, साइकिल पे टंग जाएगा। क्योंकि वो वैसे भी उनका थैला था बड़ा सा जिसमें सामान पुट कर सकते हैं और रख सकते हैं सब्जियां वगैरह। सो बट हो सकता है उनको कुछ डाउट आ रहा हो कि यार कुछ मिला विला ना हो, सो उन्होंने मना कर दिया। सो ऐसी चीज पे डीमोटिवेट मत होना, ठीक है चलता है। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ही हुआ था तो मैंने कहा ठीक है यार, जनरल चीज है, नेचर है तो होता है। बट आगे जब मैं गया, सो पीछे क्लिप में देखा आपने, उन अंकल को मैंने एक पैकेट और दिया। बातें सुनिए, आंटी तो उठ ही नहीं पाती क्योंकि अभी 2 महीने पहले भी मैंने बिस्किट्स वगैरह कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो मैं उन अंकल के पास गया था। आंटी को मैंने हाथ में देना चाहा बट शी कुडंट गेट इट, वो मतलब पकड़ ही नहीं भाई हाथों से। तो मैंने सोचा था अभी दूंगा एंड अभी आगे दिसंबर में दोबारा जाऊंगा अपने फ्रेंड के साथ तो वो शूट नहीं करूँगा मैं। बट हाँ ये है कि उनके पास दोबारा जाके कुछ ना कुछ आई विल गिव देम। सो अभी यहाँ से गाड़ी निकालता हूँ फिर घर पहुँच के 1-2 मिनट की और एंड देन हैप्पी दिवाली फोक्स। सो गाइस फाइनली डे एंड्स एंड कमिंग बैक टू वेयर वी वर इज कि यार देखो अपने घरों में तो लाइट्स भी लगाते हैं हम एंड अच्छा खाना भी खाते हैं एंड पटाखे तो खैर नहीं चलाने, 7-8 साल से मैंने भी बंद कर रखे है। एक बार पता नहीं स्कूटी चला रहा था ना, मास्क के अंदर कुछ मच्छर फंस गया दाढ़ी में, निकल ही नहीं रहा था, तू क्यों बंद हो गई। हाँ सो अभी क्या है कि ठीक है लाइट्स हम भी लगाते हैं तो अब लड़िया तो नहीं दे सकते बिकॉज हर एक का बजट इतना अच्छा भी नहीं होता एंड अभी आ भी सारा चाइनीज रहा है अब ठीक है। सो एंड क्या है ना कि अभी वो तो दे नहीं सकते हम लड़िया, सो व्हाट वी कैन डू इज दिए दे दो, मोमबत्तियाँ दे दो, दैट इज सफिशिएंट। एंड प्लस एडिंग टू दिस फूड दे सकते हो, जैसे राजमा दे दिए, चावल दे दिए सो दैट दे कैन कुक एंड ईट। एंड कुछ भी दे सकते हो, जो मन करे फ्रूटी दे दो, चिप्स वगैरह दे दो, जो आपका बजट है उस हिसाब से दे दो। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कुछ ना कुछ दो। देखो यार क्या है ना कि हर एक के घर में अब दिवाली इंडियंस का ऐसा फेस्टिवल है कि यू नो द हिस्ट्री बिहाइंड दिस, सो हर एक के घर में बनना चाहिए। तो अंकल, 2 अंकल ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से आशीर्वाद वगैरह दिया, सो इट फेल्ट गुड, अच्छा लगा, ब्लेस्ड सा फील हुआ। चढ़ाई लेता हूँ ऊपर अब ठीक है। सो बस वही है कि सबको थोड़ा थोड़ा खाने का दो, लाइटनिंग के लिए कुछ कैंडल्स दियाज ये सब दे दो। सो पटाखे मत देना भाई, बिल्कुल भी ना खरीदना, अच्छा वक्त सीएम ने
सीएम है ना, हाँ सीएम ही तो है वो, तो अच्छा वो केजरीवाल ने बंद कर दिए तो इट्स गुड, क्योंकि पोल्यूशन काफी था एंड बैन होने भी चाहिए थे बिकॉज दे डजेंट मेक एनी सेंस। सो सही है, खाओ पियो ऐश करो घूमो फिरो, किसी का दिल मत दुखाओ एंड बस दिस इज द ड्रिल बिहाइंड दिस। तो अब बात करता हूँ कि इन सब के पीछे जो मेन रीजन एक था, अ बिट ऑफ हैप्पीनेस एंड फेथ जो लोगों में आता है। यस देर आर पीपल हु स्टिल डू दिस काइंड ऑफ वर्क। सो मैंने देखा बाहर लोग घूम फिर रहे थे, मतलब सोशल लाइफ अपनी इंजॉय कर रहे थे, तो वो बहुत नेसेसरी है, बहुत नीडफुल है, तो वो भी करो बट थोड़ा सा अ बिट सोसाइटी की तरफ भी ध्यान दो एंड दैट्स इट। बाकी आई विल नॉट से कि वीडियो को लाइक करो डिसलाइक करो, जैसा भी मन करे वो करो एंड सब्सक्राइब भी बेशक मत करो, कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा एंड आई जस्ट वॉन्ट कि अगर हर प्लेटफॉर्म पे मैं डालूंगा इसको, सॉरी मच्छर अट गया तो हर प्लेटफॉर्म पे मैं इसको डालूंगा, लेट इट बी फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे ऑब्वियसली। सो इन सब पे एक सेकेंड गाड़ी आ रही है तो चलेगी ठीक है, तो इन सब पे डालूंगा। सो अगर मैं 5,000 लोगों तक भी रीच होती है ये वीडियो, उसमें से 1,000 देखते भी है, तो आई गेस 500 सोचेंगे, 500 में से अगर 100 भी करते हैं और 100 अगर 10-15 लोगों के साथ भी ऐसा करते हैं तो यार 1,000-1,500 तो बड़े आराम से लोगों की हेल्प हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट आई एक्चुअली नीड। तो बस यही था कि इस वीडियो पे कुछ नहीं करना, ना लाइक ना सब्सक्राइब, सिर्फ कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना सबके लिए अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, देन गुड बाय, हैप्पी दिवाली अगेन, अच्छे से सेलिब्रेट करना एंड 2020 अच्छा ईयर तो नहीं था सबके लिए बट लेट्स होप अगली दिवाली सबके लिए एक्चुअली में अच्छी दिवाली हो। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस। I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand.